Hi everyone, welcome back to my channel Saint's Nest. मैं Ruby Saint. मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं कोलकाता आई हूँ और आने के बाद लंच करने के बाद हम लोग शाम को थोड़ा निकले घूमने के लिए और देखिए हम लोग पहुँच गए साउथ सिटी मॉल. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ चेक इट आउट. साउथ सिटी मॉल हमारे घर के बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है साउथ सिटी मॉल हमारे घर से, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसी मॉल में आते हैं. और मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कोलकाता के कुछ स्ट्रीट फूड्स, सो प्लीज़ वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी 100, और मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और वो है सेंट्स नेस्ट. साउथ सिटी मॉल में एंटर करने के पहले ही सभी से सैनिटाइज करवा रहे हैं और टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही एंट्री मिल रही है. पूरे प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने एंटर किया है साउथ सिटी मॉल में. मॉल तो सब एक ही जैसा होता है, इसलिए मैंने मॉल के अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं किया है. कोविड के चलते इस मॉल में अभी फिर भी पब्लिक दिख रही है, आज संडे है इसलिए, नहीं तो जब ये सब सिचुएशन नहीं था, पेंडेमिक नहीं था, तो काफ़ी भीड़ रहती थी ये साउथ सिटी मॉल में. साउथ सिटी मॉल घूमने के बाद हम लोग आगे गोरीहाट, और गोरीहाट के एक मोड़ पे ये भैया घुगनी सेल कर रहे थे और साथ में और भी बहुत कुछ ये सेल कर रहे हैं. तो घुगनी हम लोग ने टेस्ट किया, काफ़ी टेस्टी और यम्मी है, आप लोग मिस मत कीजिएगा इसे. और अगर आप गोरीहाट जाते हैं तो इन ये भैया से आप लोग ज़रूर ये घुगनी टेस्ट कीजिएगा. ये बॉयल एग भी सेल करते हैं और साथ में ब्रेड ऑमलेट, इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने बनाया ब्रेड ऑमलेट कि देखते ही मुंह में पानी आ गया. आप लोग को भी ऐसा ही फील होगा. कोलकाता ऐसे भी फेमस है अपने स्ट्रीट फूड्स के कारण, और काफ़ी चीप प्राइस में आपको बहुत ही हेल्दी और हाइजेनिक आपको स्ट्रीट फूड्स मिल जाएंगे कोलकाता के हर एक मोड़ पे, हर एक गली में, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, हर एक आइटम्स आपको बड़े इजीली और बड़े ही टेस्टी और हाइजेनिक वे में आपको मिल जाएगा. चाहे वो गोलगप्पे हो जिसे कोलकाता में फुचका कहते हैं, या झालमुड़ी हो, या चने फ्राई, या कोई भी ऐसी स्नैक्स आइटम, मोमोज, वेज मोमो या चिकन मोमो, सब कुछ इतने कम रेट में और इतने हाइजीनिक वे में आपको मिल जाता है. और कलकत्ता में हर एक स्ट्रीट में, हर एक गली में बिरयानी, बिरयानी तो आपको कोलकाता में हर एक गली में मिल जाएगा, और वो भी एकदम मैंने ऑथेंटिक बिरयानी आपको मिलेगा विथ बॉयल्ड एग एंड बॉयल्ड पोटैटो. पोटैटो बिरयानी में रहेगा, बंगाली मैंने कोलकाता बिरयानी में पोटैटो तो रहेगा, आलू के बिना बिरयानी कंप्लीट नहीं होता है कोलकाता में. एग रोल्स, चाउमीन, ये सब तो बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड्स है कोलकाता के. और ये कुल्हड़ में चाय, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मैं मिस करती हूँ उड़ीसा में. ये कुल्हड़ में जो चाय पीने का मज़ा है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है.
आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ा आता है कुल्हड़ में चाय पीने में। यहाँ से खा पी के हम लोग एक फ्लावर स्टॉल में पहुँचे, जहाँ पे एक छोटी सी शॉप है ये फ्लावर्स की, और बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स यहाँ पे दिखे मुझे। और ये छोटा सा नेस्ट और उसमें ये बर्ड मुझे बहुत ही क्यूट लगा, बहुत ही सुंदर लगा। और देखिए काफ़ी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे फ्लावर्स के, मैंने एक छोटा सा फ्लावर यहाँ से परचेज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, और मेरे नेक्स्ट कमिंग जो ब्लॉग्स होंगे उसमें और भी इंटरेस्टिंग मैं आप सबसे शेयर करूँगी। सो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी।